तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों जो फ्री फायर गेम है तो उसमें आपको रूम आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा, उसमें ज्वाइनिंग कैसे होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करना। आज इसके पहले मैं दोस्तों, अगर आप लॉगिन करना चाहते हो, फ्री फायर आईडी पता करना चाहते हो, तो मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको लास्ट स्क्रीन एंड स्क्रीन में दिख जाएगा इस वीडियो के, तो देख लीजिए या मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रूम आईडी और पासवर्ड वो करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर फ्री फायर गेम पर आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी टूर्नामेंट यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मैं एक टूर्नामेंट ज्वाइन करके रखा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा दूसरी आईडी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देख ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे यहाँ पर 10 मिनट पहले रूम आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दे दिया गया दोस्तों, मैं एक टूर्नामेंट यहाँ पर ज्वाइन करके रखा था। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 10 से 15 मिनट पहले ही टूर्नामेंट, जैसे जानते हो कि 1:30 बजे शुरू होने वाला, तो आपको 10 से 15 मिनट पहले ही रूम आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है, जिससे आप ज्वाइन कर। अब आपको क्या करना है कि अपने फ्री फायर गेम पर आ जाना है या यहीं से आप खेल सकते हो। तो मैं अपने फ्री फायर गेम पर आ जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैं कोड ओपन कर रखा हूँ दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा लोड लेने लेता है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट पहले ही रूम आईडी पासवर्ड लेना, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये झंझट है कि स्लॉट पहले ही फुल हो जाती है, 47 से 47 स्लॉट रहती हैं दोस्तों जगह, जिसमें 47 के 47 फुल हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस पर टच करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं वेट कर लेता हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों कि आपको इसमें ज्वाइनिंग कैसे होना है। और दोस्तों पबजी का इसी तरह देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैंने पबजी का 1 से 2 से मतलब 3 4 पार्ट बना के रखा, जिसमें आपको मैंने एकदम फ्री हैंड एकदम बाकायदे से यहाँ से मैंने समझा के रखा। तो आपको यहाँ से जो रूम आईडी और पासवर्ड मिला दोस्तों, तो आपको यहाँ पर डालना कैसे पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दोस्तों, तो आपको ऐसा इंटरफेस नजर आए, तो आपको जब यहाँ पर रूम आईडी आपको डालना पड़ेगा, तो उसे आप कॉपी करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्लासिक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे मेरा लोगो, तो आपको इस क्लासिक पर आपको यहाँ से यहाँ पर आपको क्लिक कर दे। जैसे मैं क्लासिक पर क्लिक करता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर देखना, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ छोटा सा कस्टम, सबसे नीचे यहाँ पर कोने पर कस्टम, आपको इस कस्टम पर क्लिक कर देना। जैसे आप कस्टम पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लिक है टू रूम आईडी, तो आपको वही वाला जो एम्पियर किताब से मिला हुआ था रूम आईडी, आपको यहाँ पर कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सर्च कर देना। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर रूम आईडी पेस्ट कर दिया, तो आपको यहाँ से दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड बोलने के लिए गए। तो आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए सभी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो चुकी है जैसे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कर दोगे, तो आपको आप अपने ऊपर किसी पर टच कर देना। जैसे यहाँ पर टच करोगे, तो ये देखिए दोस्तों ज्वाइनिंग का ऑप्शन नजर आ रहा, तो आपको ज्वाइनिंग पर यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर फुल बता रहा दोस्तों, तो यही दिक्कत हो जाती है कि दोस्तों अगर आप जल्दी नहीं करते हो तो ये मतलब फुल हो जाती, तो आपको बहुत फास्ट करना है, आधा से 15 मिनट पहले ही आ जाना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आप लेट कर देते हो, तो भले आपने ज्वाइनिंग का रखा, आपका पैसा वहाँ से एम्पियर से कट जाएगा, लेकिन दोस्तों आप इसमें ज्वाइनिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करना है, तभी आप इसमें ज्वाइनिंग कर पाओगे। तो उसी तरह आपको किसी बंदे पर टच करना है, इसके बाद यहाँ से आपको ज्वाइनिंग पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑलरेडी फुल बता रहा, मतलब ये स्लॉट फुल हो चुकी है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ से आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकता हूँ। तो इतना ध्यान जरूर रखना है। इसके बाद आपको पासवर्ड डालने के लिए, पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों जैसे ही 47 का 47 स्लॉट फुल हो जाता है दोस्तों, तो आपको वहाँ से वेट कर लेना। जैसे आप वेट करोगे, तो जैसे ही थोड़ा सा मतलब समय हो जाएगा, तो ऑलरेडी ओपन मतलब ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और जैसे ही आप ज्वाइनिंग हो जाओगे रूम पर, तो दोस्तों इस एकदम पबजी की तरह, अगर आप पबजी खेल लेते हो तो आप इसे खेल लोगे दोस्तों, बड़ा सिंपल है। तो आप अगर आप अच्छा खासा फ्री फायर खेल लेते हो दोस्तों, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट है, तो आप इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपका बंदा, तो आप यहाँ से ये देखिए दौड़ा सकते हो इस तरह। अगर आप ऊपर नीचे देखना चाहते हो, तो आप उंगलियों का अपने उंगलियों के साथ ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो। देखिए अगर आपको यहाँ से इस तरह मारना है, तो आपको इसके ऊपर टच करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा लोड ले रहा, तो लोड ले लेने देते हैं। तो आप दोस्तों ये हेलीकॉप्टर से उतरेगा, इसके बाद दोस्तों जैसे पबजी में आप यहाँ पर गन शॉट लेते हो, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको उतारना पड़ता है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये देखिए बरमूडा ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे बता रहा, तो आपको यहाँ से ये देखिए सर्वर एंड बी लास्ट, तो यहाँ से आपको उतर यहाँ पर जा रही, तो आपको इसी तरह यहाँ से यहाँ पर जैसे ही इस पर टच करोगे, तो दोस्तों उतर जाएगा। ये देखिए दोस्तों जैसे मैं यहाँ से टच कर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये ऐसे उतर रहा। अब आपको इस पर जैसे टच करोगे, तो देखिए दोस्तों फ्री फायर का नज़र आ रहा, तो आपको बस इसे ऐसे यहाँ पर ले जाना। अब आपको उतारना कहाँ है, ये आप डिसाइड कर सकते हो दोस्तों कि आपको इसे उतारना कहाँ। तो आप यहाँ पैराशूट लगा दोगे दोस्तों, तो मतलब गिरेगा ना। ये देखिए दोस्तों अब आप इसे आराम से यहाँ से उतार सकते हो जहाँ आपकी इच्छा हो। तो देखिए मैं यहाँ पर घर के पास ही उतार लेता हूँ दोस्तों इसे, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ से अभी लेना पड़ेगा,
बहुत कुछ यहाँ पर गन सूट। यहाँ से आपको ये देखिए मैप दिख रहा है जैसे पबजी में दिखता था दोस्तों, उसी तरह मैप पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको इस सर्कल के बाहर नहीं जाना। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर चौक चुका। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये टच कर रहे हैं तो अगर आप इस तरफ करोगे तो चलेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ अब आपको इसी तरह यहाँ से करते जाना। थोड़ा सा पबजी में यह है दोस्तों कि आपको उंगली यहाँ पर टच किए रहना, लेकिन आपको इस पर टच किए नहीं रहना दोस्तों। आपको जैसे इस पर टच करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जैसे अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि आपको चलना कैसे है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसके अंदर आपको यहाँ से देखिए अब इस अगर इस तरफ करोगे तो कैच मारेगा, इस तरफ यहाँ से देखिए दोस्तों इसे टच करोगे तो यहाँ से चौंक जाएगा। अब यहाँ आपको बंदूक कपड़े अपने पूरा सामान लेना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं धीमा कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप इसे टच करके यहाँ से ले सकते। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ से। देखिए थोड़ा सा मैं बोल भी रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए सभी ले रहा है तो आपको इसी तरह यहाँ से लेते रहना है। ये देखिए दोस्तों अब यहाँ से मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अब आपको दोस्तों यहाँ से क्या करना कि इस तरह करोगे तो इस तरह करके गोली मारेगा यहाँ से। अगर इस पर टच करोगे तो यहाँ पर लेट जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर करोगे तो थोड़ा सा जूम करके दोस्तों किसी भी चीज़ को अच्छा जूम करना, और जूम करके यहाँ से आप बंदूक यहाँ से चला सकते। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसे मारोगे तो देखिए दोस्तों गोली यहाँ से चला रहा है। तो आप अभी घर में पूरा सामान नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बंदा यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ से दोस्तों आप मार सकते हो। तो बस इतना ही दोस्तों, इसके आगे का मैं वीडियो आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको खेलना कैसे है और आपको यहाँ से सभी चीज़ यहाँ से लेना कैसे। तो मैं आपको अगली वीडियो पर बताऊंगा दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो के एक लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट हो जाता दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।